हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिम्पिंग टूल के बारे में बताएंगे। जैसा कि भी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्रिम्पिंग टूल पड़े हुए हैं, तो आज हम आपको जो इसकी प्रॉपर क्रिम्पिंग कैसे करते हैं, केबल लेग्स को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे क्रिम्प करते हैं, ये देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के केबल लेग्स पड़े हुए हैं। ये कुछ हमारे जो जो हमारी 2.5 mm की वायर है, 4 mm की वायर है, उसके लिए हम ये क्रिम्पिंग टूल का यूज़ करते हैं। और जो दूसरा बड़ा है क्रिम्पिंग टूल, हम वो 16 mm की केबल तक, और वो जो हमारा हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल है वो हम दूसरा जो बड़ी आर्मर्ड केबल्स होती हैं उन उनके लिए हम ये क्रिम्पिंग टूल जो है वो हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल यूज़ करते हैं। तो आज हम आपको जो इसकी क्रिम्पिंग कैसे करते हैं ये पूरा फिज़िकली हम आपको बताएंगे, पूरा फील्ड में बताएंगे जाके कि ये हमारा क्रिम्पिंग कैसे होती है। तो जो केबल लग्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं, ऑलरेडी हमने वो देख सकते हैं कि हमने एक केबल जो है वो हमने क्रिम्प करके रखी हुई है। और जो दूसरी है, अब ये देख सकते हैं कि ये हमने जो दूसरी केबल्स वगैरह हैं, जो ये हमारे पास 70 mm की केबल है, ये हमने इसके ऊपर केबल लग्स ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं। और जो हम आपको अभी जो इसकी फिज़िकली हम आपको बताएंगे कि ये कैसे इसको यूज़ करते हैं, क्रिम्पिंग हाइड्रॉलिक क्रिम्पिंग टूल को कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी हम आपको जो फील्ड पे ले चलते हैं। ये हमारे पास एक पैनल है, इसके अंदर ऑलरेडी ये केबल्स लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं केबल लगी हुई हैं। और जो आपने ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमने फ्यूज़ वगैरह निकाल के रखे हुए हैं, तो आपने भी पहले ये फ्यूज़ वगैरह निकाल लेने हैं, फिर उसके बाद जो आपने इसकी जो क्रिम्पिंग करनी है। ये देख सकते हैं कि हमारे पास इधर एक कॉन्टैक्टर है, इसके लिए हमने ये केबल लगानी है। और आपने पहले जो पहले अपने फुल सेफ्टी करनी हो, फ्यूज़ निकाल लेने। ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये भी एक हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल है, उसके साथ ही हमारे पास जो एक केबल है जो 70 mm की केबल है, और उसके बाद जो मैंने इसके हमने लग्स रखा हुआ है। तो अभी पहले हम इसको आपको बताएंगे कि इसके अंदर ये देख सकते हैं कि ये हमारा हाइड्रोलिक टूल क्रिम्पिंग टूल है, उसके अंदर ये हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो डाइज़ हैं, जो हमारी रेटिंग है, जो हमारे क्रिम्पिंग करते हैं, जो केबल लग्स है उसके हिसाब से डाई होती हैं, वो आपने कैसे यूज़ करनी है मैं अभी आपको इसको प्रॉपर बताता हूँ। तो पहले आपने ये देख सकते हैं कि आपने क्रिम्पिंग टूल को ले लेना है, और इसको जो पिन होती है इसको आपने बाहर निकाल लेना है। ये पिन जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो आपने जो आपकी जो केबल है उसके हिसाब से आपने वो डाई है वो ले लेनी है। जैसे कभी अभी ये देख सकते हैं कि 70 mm की केबल है, हमने उधर से 70 mm की जो डाई है उसको ले लिया है। तो आपने ये दोनों तरफ से आपने इसके अंदर डाई लगा लेनी है, और उसके बाद जो पिन है उसको प्रॉपर तरीके से लगा लेना है। ये पिन जो है देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से उसको प्रेस कर लेना है। तो उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे, और ये हमारे पास जो इसकी ये देख सकते हैं ये केबल है, इसको अभी हम इसको जो एक इसका जो एंड है उसको हम इसकी इंसुलेशन है वो निकाल लेंगे, जितनी हमें ये देख सकते हैं कि जो हमने क्रिम्पिंग करनी है उस ये हम इसकी इंसुलेशन निकाल रहे हैं। जो हमारे पास नाइफ़ है उसकी मदद से हम इसको इंसुलेशन निकाल के एक एंड से, और उसके ऊपर हम लग्स वगैरह जो है वो लगा लेंगे। तो अभी मैं आपको जो इंसुलेशन उतार के उसके ऊपर जो इसका लग्स होता है वो लगा के फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे क्रिम्प करते हैं। तो तब तक ये इंसुलेशन हम इसको निकाल लें। ये हमने इंसुलेशन निकाल लिए, और इंसुलेशन निकालने के बाद हम ये देख सकते हैं कि इसके पास जो हमारे पास एक 70 का जो 70-10 का जो हमारे पास ये लग्स है इसको आपने इसके ऊपर ऊपर चढ़ा देना है। ऊपर जब पूरा प्रेस कर देंगे इसके बाद आपने ये देख सकते हैं आपने इसके ऊपर लगा के फिर इसके बाद जो हमारे पास क्रिम्पिंग टूल है आपने इसकी मदद से आपने इसको क्रिम करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं ये इसके ऊपर जो वेरिएबल्स लगी हुई हैं ये इसको ऑन और ऑफ़ करने के लिए है, जो इसका प्रेशर रिलीज़ करने के लिए है, और प्रेशर को क्लोज़ करने के लिए है, ताकि जब हम इसको प्रेस करें तो हमारा प्रेशर जो है वो रिलीज़ कर सके। हम ये देखते थे कि ऑलरेडी हमारे ओपन किया, और इसके अंदर ये ऐसे आपने इसको रख के आपने ये प्रेस करना है। और जैसे ही प्रेस करेंगे ये देख सकते हैं कि जो डाई है हमारी आगे की तरफ जा रही है, ये हमारा प्रेस हो रहा है। और जैसे ही आपने इसको प्रॉपर प्रेस कर देंगे उसके बाद फिर हम इसको रिलीज़ कर लेंगे, जिसका प्रेशर है वो रिलीज़ कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इसको फुल जो है प्रेस कर लिया है। ये देख सकते हैं जैसे फुल प्रेस हो जाएगा इसके बाद हम इसका जो प्रेशर है वो रिलीज़ करेंगे। ये देख सकते हैं कि अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको हम प्रेस कर रहे हैं। प्रॉपर प्रेस जब हो जाएगा तो ये खुद ही ऑटोमेटिक ये देख सकते हैं ये हमारा ये प्रेस हो गया। अभी ये
ये देख सकते हैं जो डाइस का है वो फुल प्रेस हो गई है, और इसके बाद हमने इसका प्रेशर रिलीज़ कर देना, ये ओपन हो जाएगा। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारे जो वायर है, केबल है, और ये देख सकते हैं कि ये हमारी केबल जो है एक साइड से ये इसको क्रिम्प हो गई, ये प्रेस हो गई है। अब ये दूसरा इधर से हम सेफ्टी के लिए हम इसको 2 बार प्रेस करेंगे, जो इसका दूसरा एंड है इसको भी प्रेस कर देंगे। ये देख सकते हैं सेम ऐसे ही आपने इसको ओपन करके आपने इसको प्रेस कर देना है। ये देख सकते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेस कर रहे हैं। जैसे ही इसका हाइड्रोलिक जब प्रेशर पूरा हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसको ओपन कर देंगे। ये देख सकते हैं कि अभी डाई जो है वो प्रॉपर जो है आपस में मिली नहीं है। जैसे ही वो मिल जाएगी तो हम इसको ओपन कर लेंगे। ये देख सकते हैं इसके बाद हम इसका ये प्रेशर है उसको रिलीज़ कर लेंगे। ये प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तो हमारा ये देख सकते हैं कि जो हमारा लग्स है, केबल लग्स है, वो प्रॉपर इसके ऊपर पंच हो गया है। ये देख सकते हैं इसको पंच करने के बाद हमने इसके ऊपर जो शराउड होता है, इसके ऊपर लग्स का शराउड होता है, वो आपने लगा देना है। ये देख सकते हैं जो हमारा टूल था हमने ऑलरेडी फिक्स कर लिया है, जो केबल थी। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि इधर जो हमने केबल लगानी है, तो हमने जो ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो श्राउड ऑलरेडी चढ़े हुए हैं। तो अगर आपके पास श्राउड नहीं है तो आप इसके ऊपर इंसुलेशन वगैरह करके इंसुलेशन भी कर सकते हैं, जो टेप की मदद से इंसुलेशन करके आपने प्रॉपर इसको आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपको जो आज की हमारी वीडियो जो है क्रिम्पिंग, हाइड्रोलिक क्रिम्पिंग टूल के यूज़ करने के बारे में पसंद आई होगी। तो इसके बाद अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर आपने जो ये हमने क्रिम्पिंग की हुई है केबल, इसके ऊपर आपने इंसुलेशन करके, ये देख सकते हैं प्रॉपर इंसुलेशन करके, ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लैक इंसुलेशन टेप है, इसको आपने प्रॉपर इंसुलेशन कर देनी है ताकि हमारा जो पार्ट है वो हमारा फुल सेफ्टी के साथ लगा रहे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर इंसुलेशन कर दी है। प्रॉपर इंसुलेशन करने के बाद आप उधर केबल जो है आपके जिधर जो आपने रिक्वायर्ड है आप उधर उसको लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी इसको इंसुलेशन हमने प्रॉपर तरीके से इसको कर दिया है। बेटर तो है कि आप इसके ऊपर श्राउड यूज़ करें। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, अभी जो दूसरे क्रिम्पिंग टूल थे, जो छोटी केबल्स थी 4 mm की, 2.5 mm की केबल, उसके लिए हम ये दूसरा क्रिम्पिंग टूल यूज़ करते हैं, हैंड क्रिम्पिंग टूल। इसको भी आपने इसको वायर को जो है केबल को छील के उसके ऊपर बाद में आपका जो लग है वो लगा के आपने उसको प्रॉपर तरीके से कर लेना है, प्रेस कर लेना है। मैं देख सकते हैं इसको भी प्रेस कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि हमारे ऊपर, ये देख सकते हैं कि प्रॉपर इसके ऊपर लग गया है। तो आप भी अपना ऐसे ही केबल जो है आप अपनी क्रिम्पिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।